नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने झारखंड के एक छोटे से गांव में घटी हुई एक बहुत ही डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। इस गांव में चार लोगों का एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके दो बच्चे थे। बड़े वाले बच्चे का नाम था विष्णु और छोटे वाले बच्चे का नाम था प्रहलाद। चारों हंसी खुशी अपने जिंदगी काट रहे थे। दरअसल इन दोनों के बच्चों के जो पिताजी थे ना, वो इस गांव के पास वाले टाउन में रहा करते थे ज़्यादातर टाइम। रीज़न ये था कि वो पेशे से एक मील में काम करने वाले कोई मतलब व्यक्ति थे, और इस रीज़न से वो अपने घर नहीं आ पाते थे रात में। मील के पास में ही एक घर बना हुआ था, बड़ा सा घर। वहीं पर जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे मील में काम करने वाले, वो कई बार अपनी रातें बिताते थे। रीज़न ये होता था कि रात बेरात भी मील में कुछ काम आ जाता था, मशीनें रात बेरात चलती रहती थी। इसलिए अब देखा जाए तो झारखंड के इस परिवार के इस घर में अब तीन ही लोग ज़्यादातर टाइम रह रहे हैं। एक तो माँ और दोनों बच्चे विष्णु और प्रहलाद। उसमें भी जो विष्णु और प्रहलाद है, ये दिन भर अपने स्कूल में, फिर कोचिंग क्लासेस में, और फिर शाम के समय खिलाई में बिता देते थे, तो घर में माँ अकेली बचती थी। एक दिन की बात है, दोनों बच्चे एक रिश्तेदार के घर पर शादी के लिए गए हुए थे। इनकी कोई कज़िन की शादी थी जो इनसे थोड़ा सा बड़ा था। वहाँ पर और भी इनके कज़िन आने वाले थे, तो विष्णु और प्रहलाद पहले से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अरे ये भैया आने वाले, ये दीदी आने वाली, तो हम भी पहले से जाएंगे, मम्मी हमें रोकना मत। मम्मी ने भी इनको नहीं रोकी और उन्हें जाने की परमिशन दे दी। वो दूसरे वाले गाँव में गए हुए थे कोई तो भी, जहाँ पर सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये दोनों की मम्मी वहाँ पर नहीं गई थी। रीज़न ये था कि घर को बहुत दिनों तक बंद करके नहीं रख सकते, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है गांव में, शहरों में भी मानना होता है, मैं गांव को अकेले को क्यों बोल रहा हूँ। तो इस रीज़न से वो अपने घर पर कुछ दिनों के लिए टोटली अकेली थी। कुछ दिनों बाद वो भी शादी अटेंड करने के लिए उधर जाने वाली थी, जहाँ पर इनके बच्चे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। एक दिन की बात है, ये ना रात में खाना वाना अपना बढ़िया से खाई है, और जो घरेलू औरतें होती हैं ना, उनकी एक आदत होती है कि रात का खाना खा लेगी और जो भी झूठे बर्तन रहेंगे वो फटाफट धो देंगी और फिर बर्तन सुखा कर सजा कर सोने के लिए जाएंगी। तो ऐसे ही इनका भी खाना हुआ, अपने घर के पीछे वाले आंगन में गई। आप गांव के आंगन को इमेजिन कर सकते हैं कैसे दिखते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वो अपने घर के पीछे वाले आंगन में गई है। आज थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए थे, दिन में कुछ मेहमान आ गए थे, इस चक्कर में उनके लिए खीर बन गई थी, तो थोड़े से ज़्यादा बर्तन थे, खुद के भी थे, तो धो रही है। अब आंगन में अंधेरा, छोटा गांव है, आंगन पीछे वाले हिस्से में है, घर के पीछे वाले हिस्से में, आंगन के बाद पूरा खेती खेत लगा हुआ है। अब खेत में कोई स्ट्रीट लाइट तो रहेगी नहीं, तो हाँ भाई पूरा तरीके से अंधेरा था, तो एक लालटेन अक्सर ही अपने आंगन में लटका कर रखती थी। तो लालटेन जल रहा है और ये अपना बर्तन धो रही है, आधे बर्तन धो के हुए ही होंगे कि अचानक से एक बूढ़ा आदमी, लगभग 90 साल के आसपास की उम्र का, लाठी टेकते टेकते एक हाथ में लालटेन पकड़ा पकड़ा इनके आंगन में कहीं से आया। इनके आंगन के पीछे तो खेत ही लगा हुआ है ना, लंबा वाला, तो नहीं मालूम कि वो किस तरफ से आया, लेकिन हाँ खेत तरफ से ही आया हुआ है। इनके सामने आए, ये बर्तन धो रही, इनके सामने आके रुका, इन्हें ऐसा घूर के देखा और फिर अपनी धोती खोला और हल्का होने के लिए बैठ गया। तो ये देखी और इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले क्या बदतमीजी अंकल, ये क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, किसी औरत के सामने ये सब करते हुए शर्म नहीं आती है। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता है और उसके सामने बैठ के करता ही रहता है, कुछ नहीं बोलता है। ये फिर से बोलती है, फिर से उसको सुनाती है कि कैसे बदतमीज इंसान हो, कहाँ से आए हुए हो, कौन से घर के हो, इससे पहले मैंने तुम्हें इस गांव में नहीं देखी, बताओ वरना भी शोर मचा मचा के सबको बुला दूंगी, उठो यहाँ से, जाओ भागो धोधा के। लेकिन वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अपना काम करने में लगा हुआ है। अब ये गुस्से में खड़ी हुई, बर्तन वर्तन छोड़ के और खड़े होके चार पांच खरी खोटी गाली सुना दी, बोली ठहर जा बुढ़िया, भी डंडा ला के तुझे पीटती हूँ, तुझे सब समझ में आएगा। कुछ नहीं किया, वो उठा वैसे ही, हमने धोती चढ़ाया और चला गया, जिस अंधेरी तरफ से आया था उस अंधेरी तरफ चले गया। इनका पूरा मूड अपसेट हो गया, ये बर्तन वर्तन वैसे ही छोड़ दी, दिमाग खराब यार, गुस्सा भी आएगा, घिन भी आएगी, क्या कर रहा है ये आदमी ऐसे आके डायरेक्ट। ये चली गई अंदर, बोली सुबह देख लूँगी बर्तन वर्तन, और जाकर सो गई।
ये रात तो इनको गुस्से गुस्से में नींद आ गई, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अगले ही सुबह इनके दोनों बच्चे इनके घर पर आ गए। दोनों बच्चों ने बोले, मम्मी पिछली रात को हमें एक बहुत डरावना सपना दिखाई दिया था, हम दोनों को ही, कि आप किसी मुसीबत में हो, घर में कोई गलत इंसान घुस गया है और कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको रहा नहीं गया वहाँ पे शादी में, अब हम आपके साथ में ही रहेंगे, जब आप वहाँ पर जाने के लिए तैयार होगी तभी हम चलेंगे, हम आपको अकेले नहीं छोड़ रहे। मम्मी ने बोली, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यार, तुम्हारी गलत फहमी है। मम्मी ने मन ही मन सोची कि बताओ यार, मेरे बच्चों को सपने में कुछ दिखाई दे दिया, अजीबोगरीब चीज़ पिछली रात को तो हुई थी, वो बुढ़ा आदमी कैसे आंगन में आकर डायरेक्टली हल्का हो गया था। खैर छोड़ो, ऐसे कुछ सर्किट गांव में घूमते रहते हैं, जाने दो, बच्चों को क्या बताऊं मैं, बिना मतलब की टेंशन लेंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारे रिश्तेदार एक जगह पर इकट्ठे हैं, दुनिया भर की बातें बनाएंगे, तरह तरह के लोग, चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ को भुला देते, इग्नोर मारते हैं। लेकिन उसी रात को इसकी मम्मी बच्चों को सुला उला के खाना वाना देकर, इनके घर में ना दो बेडरूम थे, एक हॉल था, एक किचन था, 2 BHK का घर था, तो ये इनकी मम्मी इन बच्चों को खाना वाना खिलाई, उनके बेडरूम में बढ़िया से सुला दी है, पिताजी तो वहीं पे मील के पास वाले घर में रुके हुए हैं, उनका काम चल रहा है, अभी नॉन स्टॉप काम चल रहा था भैया, उनका बहुत हैवी काम आया हुआ था, तो इन बच्चों को सुला बुला के ये अपने कमरे में सोने जाने के लिए बढ़ी। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोली तो क्या देखती है कि बिस्तर के ऊपर वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और घूर घूर कर इन्हें देख रहा है और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है। उसे देखकर एकदम वो हो गई, गुस्सा हो गई, चिल्लाने लगी, कौन हो तुम, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरे बिस्तर में डायरेक्टली आकर कैसे बैठ गए, अभी रुको अपने बच्चों को बुलाती हूँ, तुम्हें सबक सिखाकर रख देंगे बुड्ढे कहीं के। वो इनके पास आया, एक वियर्ड सी स्माइल दिया, ये समझ लो ये आंटी जी खड़ी हुई है, उनके इतने मुंह के पास आया, वियर्ड सी स्माइल दिया और स्माइल देखे क्या बोलता है, पहचानी नहीं मुझे, कल रात में भी तो आया था तेरे सामने आंगन में, देखा था ना क्या किया था मैंने, ऐसा बोल के बहुत गंदी तरीके से हंसने लगा। ये थोड़ा डर गई क्योंकि इस तरीके से उसने बोला है, ये कुछ गलत करना तो नहीं चाह रहा है, कौन इंसान है ये पलट कर भागी और जोर जोर से अपना दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दी थी अपना कमरे का, बंद करने के बाद उसको नोटिस कर पाई थी, दरवाज़ा पीटने लगी, बच्चों जल्दी आओ खोलो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। बुड्ढा इनके एकदम पास में आता है और कान में आके क्या बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, नहीं खुलेगा ये दरवाज़ा, ना ही तेरी आवाज़ बाहर जाएगी जब तक मैं नहीं चाहता। ये बहुत ज़ोर से डर गई, उसने बहुत ज़ोर से इनको धक्का दिया, ये अपने आप को संभाल के उस बेडरूम के दूसरे कोने में चले गई, उससे कहने लगी कि क्या चाहते हो तुम और मेरे पीछे क्यों आए हो। ये बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरे साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बोल थोड़ा समय बिताएगी मेरे साथ। इनको बहुत अजीब सा धक से लगता है, ये बोलती है, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे बोल सकते हो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। ये बोलते हैं, उम्र का लिहाज, अभी तुझे बताता हूँ मेरी उम्र कैसी है और मैं कैसा दिखता हूँ। ऐसा बोल के एकदम इनके पास आया, झट से ऐसा ताली बजाया और ताली बजाए तो इनकी ऐसी आंख बंद हुई, ऐसा ताली बजाया ना इनके मुंह के सामने तो ऐसी आंख जैसी बंद हो गई ना, ऐसे पलक झपकते से जैसे इनकी वापस से आंखें खुली तो क्या देखती है कि इनके सामने एक खूबसूरत सा लड़का खड़ा है। वो बुढ़ा आदमी नहीं, एक खूबसूरत सा लड़का है, लगभग 6 फीट 2 इंच का, एकदम गोरा भग, काले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, सफेद रंग का पैजामा, इतना बढ़िया सा फेस कट, उसके पास से ऐसी स्मेल आ रही है कि किसी का भी दिमाग फिर जाए उस सुगंध से। ये उसे सिर्फ देखती ही रह गई, ये कैसे हो सकता है, अभी तो एक बूढ़ा आदमी झुलसे हुए शरीर का मेरे सामने खड़ा था, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था, ये हट्टा कट्टा नौजवान कैसे आ गया। वो एकदम इनके नज़दीक आया, लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ, घबराहट हुई या जो भी कह लो, ये बेहोश हो गई। इनको अब कुछ नहीं मालूम कि इनके साथ क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं, वो नौजवान, वो जो कोई भी था, वो इनके सामने ही खड़ा था कि क्या मालूम क्या हुआ। सीधे सुबह इनकी आँख खुलती है, ये देखती है कि मैं अपने ही कमरे में अपने बेड में पड़ी हुई हूँ। ये तुरंत उठी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी और दरवाज़ा एक बार में ही खुल गया। बाहर निकली तो देखी अपने कमरे में बच्चे आराम से सो रहे हैं,
इनको लगा मैं बच्चों को बताऊं या नहीं बताऊं, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ क्या हुआ पिछली रात? मेरा दिमाग सही जगह पे है भी या नहीं? मुझे कोई अजीब लेवल का वहम तो नहीं हो रहा है? वहम ही होगा, कोई सपना, कोई डर जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जाने देती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसा बोल के पूरा दिन इन्होंने वहीं पर काट दी। फिर रात आई, रात में फिर से ये बच्चों को खाना वाना खिलाकर अपने कमरे में गई है सोने के लिए, डरते डराते कहीं फिर से कोई दिख ना जाए। लेकिन किस्मत से कोई नहीं दिखा। ये बोले शुक्र है भगवान तेरा। ऐसा बोल के चादर ओढ़ के सोई ही है कि इनको ऐसा महसूस हुआ, पूरा सर तक चादर ओढ़ी थी, इनको ऐसा महसूस हुआ इनके यहाँ पे कोई तो भी हाथ से सहला रहा है। ये डर गई और तुरंत अपना चादर हटाई। क्या देखती है सामने? तो एक खतरनाक सा, डरावना दिखने, घिनौना दिखने वाला कोई तो भी भूत जैसा खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना हुआ है जैसे पिछली रात को उस नौजवान ने पहना था, जो बूढ़ा पहले था और फिर नौजवान बन गया था। बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहना हुआ है, काला कुर्ता सफ़ेद पैजामा, उसके बाल भी बिल्कुल उसी प्रकार के हैं लेकिन थोड़े लंबे। लेकिन उसका चेहरा किसी राम से ब्रदर्स की भूतिया फिल्मों के भूत जैसा दिखाई दे रहा था। उसके दांत लंबे लंबे से निकले हुए थे और इन्हें कुछ इस प्रकार से देख रहा था वो, जैसे कि हमने लंबे लंबे दांतों से कच्चा चबा जाएगा। ये फिर से उसे देखकर डर के मारे चिल्लाई। उसने फिर से अपनी उसी भारी और डरावनी आवाज में कहा कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे चीखने चिल्लाने की। कल बताया था ना, जब तक मैं नहीं चाहता तेरी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। और ऐसा बोल के वो एकदम इनके नजदीक आया और फिर डर के मारे फिर से इनको एक झटका सा यहां पर लगता। डर रहेगा ना, कोई भी डर जाएगा इस सिचुएशन में। ये बहुत जोर से डरी और फिर से बेहोश हो गई। इनको नहीं मालूम इस रात भी इनके साथ क्या हुआ। ये रात भी चली गई, फिर अगला दिन निकला, फिर रात आई। अब ठीक दो दिन बाद इनको शादी में जाना था और इस रात को भी वैसे ही कुछ हुआ। अब फिर पूरी रात ये मतलब कुछ इस प्रकार से हेडेक में सोई है, मतलब एक अलग ही ट्रांस में रही कि इनको कुछ समझ में नहीं आया कि इनके साथ क्या हो रहा है इस रात को भी। लेकिन हाँ, इतना फील हो पा रहा है कि मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैं अलग से अंधकार में हूँ और मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी आँख खुल ही नहीं पा रही है। अगला दिन निकला तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इनके बच्चों ने इनसे पूछे, मम्मी क्या हो गया है, हमें शादी में जाना है परसों कल, आप इतनी क्यों मुरझाई हुई दिख रही हो? इन्होंने बोल दी कि नहीं बेटो, मैं तुम्हारे कुछ शेयर नहीं कर सकती, मुझे अपनी बहन से बात करना है, उसको फ़ोन मिला कर दो। तो विष्णु घबरा गया, विष्णु ने अपनी मौसी को फ़ोन किया और मम्मी को पकड़ा दिया। मम्मी ने बोली कि तुम दोनों बाहर जाओ, अपनी बहन से कुछ बात करना चाहती हूँ। फ़ोन में सारी बात बताई और विष्णु ने भी बाहर से थोड़ा कान लगाकर सुना कि मम्मी परेशानी में है यार, इस तरीके से घबराई घबराई कभी पहले बोली नहीं है कि मौसी से बात करनी है, फ़ोन लगा कर दो, वरना खुद ही अपना मोबाइल उठाती है फ़ोन लगा लेती है, सुनना पड़ेगा। तो कुछ गलत नहीं है, माँ की चिंता है इसलिए सुन रहा है। सुना और उसे सुनाई दिया कि मम्मी वो सब कुछ बता रही है जो मम्मी फेस कर रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया। विष्णु ने सब सुन लिया। मौसी ने बोली, चिंता मत करो, मैं शाम तक पहुँचती हूँ। मौसी जी शाम को घर पर आती हैं, बिल्कुल वो भी उतनी ही ज़्यादा चिंता में जितनी ज़्यादा मम्मी चिंता में है इनके। और बिल्कुल भी विष्णु और प्रहलाद दिखाते नहीं है कि हमको कुछ समझ में आ गया, फिर हमको कुछ पता चल गया है। दोनों बिल्कुल शांत हैं और दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि मम्मी के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि मम्मी कोई बच्ची नहीं है यार कि ऐसी बनावटी बातें करेगी और ऐसा बिहेव करेगी बिना मतलब के। मौसी जी डायरेक्टली इनकी मम्मी को कहीं लेकर जाती है, कोई तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा बहुत ही मंजे हुए बाबा थे, उन्हें बहुत कुछ आता था, ऐसे कई सारी चीज़ों का उन्होंने सामना कर चुके थे। बाबा जी उनके सामने जैसे ही आकर बैठते हैं ना, सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, आँख बंद करते हैं और कोई मन पढ़ते हैं और उन्हें जैसे कि मानो सब पूरे विजुअल्स दिख रहे हो। वो बताते हैं कि दरअसल जो तुम लोगों का खेत है पीछे तरफ, उससे बिल्कुल आगे एक पेड़ दिखाई देता है, वहाँ पर बाजू वाले गाँव से एक ऐसे अविवाहित लड़के को लाकर दफन किया गया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यासा था। किस चीज़ का प्यासा? शारीरिक सुख जो बोलते हैं ना, उस चीज़ का प्यासा। उसका विवाह नहीं हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। और जब कभी भी ये बाहर निकलती थी, चाहे बर्तन धोने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, किसी भी काम के लिए, उसकी आत्मा, उस लड़के की आत्मा उस पेड़ के नीचे से इन्हें देख रही होती थी।
वो फिर कुछ समय बाद प्रेत योनि में चला गया, क्योंकि वह अतृप्त था। और जब कोई भी व्यक्ति एक आत्मा में तब्दील होता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है और वो आत्मा के रूप में भटकने लगता है और वो अतृप्त रहता है, तो वो प्रेत योनि में चले जाता है। तो वो प्रेत बन गया, फिर उसने रूप बदल कर एक बूढ़े के तरीके से इनके सामने आया और ये बात करने की कोशिश किया उस बूढ़े को, मतलब उस आत्मा को, उस बदले हुए रूप को। इनकी बातें, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और फिर वो इनके घर पर पहुंच गया। उनके साथ हर रात बुरी बुरी हरकतें करने लगा, बुरी बुरी हरकतें। लेकिन चिंता मत करो, मैं इनके शरीर को बांध दे रहा हूँ एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से। अब वो उसके पास नहीं आ पाएगा, ज़रूर इधर उधर रहेगा लेकिन इनके शरीर को छू नहीं सकेगा, ना ही इन्हें दिखाई देगा, ना ही इन्हें सुनाई देगा। एक अंगूठी बाबा जी ने मंत्र पढ़कर इन्हें पहना दिए, बोले कि इस अंगूठी को कभी उतारने मत देना, उतारती तो तकलीफ हो जाएगी बहुत बड़ी। इनके आसपास तो वो रह गई, तुरंत इनसे कांटेक्ट में आ जाएगा, इनके शरीर के कांटेक्ट में, फिर कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उस समय वो गुस्से में रहेगा। बस विष्णु की मम्मी जी ने अंगूठी पहनी और तब से, उस रात से, मतलब उनको वो एंटिटी, वो प्रेत, वो पिशाच, जो कुछ भी था भाई, वो दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया, उनका जीवन अच्छे से कटने लगा। तब से लेकर आज तक वो अंगूठी पहन रही है, बिल्कुल नहीं उतारी, किसी कंडीशन में नहीं उतारी है, और अब डरी डरी सी भी रहती है। मतलब ऐसे ही अकेले आंगन में इतनी रात गए नहीं जाती है, रात में बर्तन नहीं धोती है, अगले दिन उठकर धोती है। इस पूरी पूरी घटना की कहानी विष्णु ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो सब सर्कल में सभी को बताया, और उनमें से एक विवेक था जिसने ये कहानी हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि सर पूरी दुनिया को बताइए, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। सीख ये कि कोई भी महिला अगर इस तरह की परेशानी का सामना करने लगे अचानक अचानक से अपने आप, तो उसे बात करना चाहिए किसी से, बात करने से हल निकलेंगे। नहीं तो बहुत सारी औरतें, लड़कियां ऐसी चीज़ों का सामना करती हैं जो कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, और इस रूप से ही, मतलब जैसे मैंने आपको कहानी बताया उसी रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन किसी से भी बात करने से हिचकिचाती है, डरती है, सोचती है कि हमें ही ब्लेम किया जाएगा। नहीं, आप बात करो, सॉल्यूशन मिलेगा, जैसे इस केस में विष्णु की मम्मी को मिला। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।